इस्तखासा, करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकी। मेरी सजा करप्शन केस या कौमी खजाने की लुटमार से नहीं, सजा पाकिस्तान की 70 साल तारीख का रुख मोड़न के जुर्म में दी गई। अहरिया के होश जांदियां ही वतन वापस पुजवे सा, नवाज शरीफ का ऐलान। जेल अपनी जदोजहद कायम रहा सा, लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत एवन फीड रेफरेंस का फैसला सुना दिता। नवाज शरीफ को 1,28,80,00,000 रुपए तो वध ते मरियम नवाज को 32 करोड़ रुपए जुर्माने ते एवन फीड प्रॉपर्टीज को भी बाहक सरकार जब्त करने का हुक्म। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम फवाद हसन फवाद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड के नैब के हवाले। नैब फवाद हसन फवाद को पिछले दिन गिरफ्तार किया। सवात पीटीआई का सियासी कुवत का मुजाहरा, कप्तान की मुखालफी से कड़ी तनकीद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो पहली बारी एक ताकतवर के खिलाफ फैसला आए। करप्शन लुटमार की वजह तो मुल्क गरीब थी गया। नून लीग हमेशा छांगा मांगा की सियासत की थी।